हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी जो कि बहुत ही लवी शवी, बहुत ही स्टॉकिंग, बहुत ज़्यादा आपके लिए लव फील कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इंटरनली जो आपके लिए फील कर रहे हैं बहुत ही लवेबल कि बस आपके साथ सब कुछ ड्रीम क्या हर चीज़ सब एक सब कुछ सोच रहे हैं कि मैं उनके साथ हनीमून जाऊं, मैं इनके साथ मैरिज करूं, काश इन्हीं के साथ मेरी मैरिज हो जाए। मैं मतलब डे ड्रीम देखने शुरू कर दिए उन्होंने, उनके जो दिल में है आपके लिए यही है कि मैंने इनके साथ ही मैरिज करनी है, मुझे इन्हीं के साथ रहना है, क्योंकि आपके जैसा उन्हें आज तक नहीं मिला, केयरिंग लविंग और अनकंडीशनल लव करने वाला, जो इनको हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे गलत थे सही थे, लेकिन आपके लिए आप उनके लिए हमेशा पॉजिटिव रहे। वो इस चीज़ को देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो होता है कि ठीक है मैंने जो भी गलती की वो चीज़ को मानते हैं, लेकिन आपकी जो वैल्यू कर रहे हैं, आपके लिए जो वो सोच रहे हैं, इतना पॉजिटिव होकर सोच रहे हैं कि अब उन्हें कुछ गलत नज़र ही नहीं आता। चाहे आपने कितनी भी डीएफ उनके साथ कुछ गलत भी किया हो, तो आपको वो गलत ना मान के आपकी वैल्यू करना शुरू कर दिया है। आप उनको वो इंटरनली आपको मानते हैं कि आपका एक एक वर्ड जो भी आपने उनके लिए साथ जो भी किया, उन्हें शायद लेसन देने के लिए किया या डिवाइन ने किया, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपके साथ वो एक डे ड्रीम देखते हुए आपके साथ वो सपने सजा रहे हैं कि मैं इनके साथ अपनी सारी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। क्योंकि आप एक ऐसे डीएफ, आपकी एनर्जी है कि जब भी आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं या पॉजिटिव होकर आप दोनों की बातें होती हैं, तो आप उन्हें एक नया जन्म देती हैं। क्योंकि डीएफ जर्नी में ये सबसे बड़ा रोल है कि हम जितना मर्जी मिले हों, लेकिन हम जब भी हर बार मिलते हैं या हम एक दूसरे को मैसेज करते हैं, हो सकता है कई बार नेगेटिविटी में हम मैसेज करते हैं तो वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, लेकिन अदरवाइज अगर हम पॉजिटिव होकर उनको मैसेज करते हैं या गुड वाइब्स भेजते हैं, लव वाइब्स भेजते हैं, तो उनकी वाइब्स और हाई हो जाती है, जिससे वो हमेशा आपके सपनों में खो जाना पसंद करते हैं, आपके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आपके साथ डे ड्रीम देखना चाहते हैं, आप ही को महसूस करते हैं, क्योंकि आप उनके इंटरनली पार्ट हो। जब वो चीज़ अवेकन हो जाती है फिर उन्हें कुछ नहीं दिखता, फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी डीएफ देखते हैं जो उनका इंटरनली पार्ट है, तो इसलिए वो आपके लिए क्रेविंग करते हैं, इंटीमेट से रिलेटेड आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं। बस थोड़ी सी कई मजबूरियां हो जाती हैं जो आपसे बात नहीं कर पाते, या आप लोगों के बीच में कुछ क्राइसिस होते हैं तो उस वजह से वो ईगो में ऑपरेट करने लग जाते हैं। तो ये छोटी छोटी वजह हैं जिनकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पाते, लेकिन इस टाइम जिनकी कंडीशन और फीलिंग आपके लिए है बहुत ही लवेबल, आपके साथ डे ड्रीम देखना चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ करना चाहते हैं जो आपने कभी वर्बल फेस में किया हो, एक दूसरे को अट्रैक्शन या एक दूसरे को गिफ्ट दिए हों या लव वाली बातें की हों, सॉन्ग सेंड किए हों, जो भी आपके दिल की जो भी आपने उस टाइम किया था, वो फिर से आपका एक न्यू चैप्टर फिर से स्टार्ट हुआ है, न्यू बिगनिंग की तरफ आप लोग फिर बढ़े हैं, क्योंकि पोर्टल 29 को आ रहा है, अभी से आपको क्रेविंग शुरू हो चुकी है। तो जिनके यूनियन परमानेंट यूनियन होने हैं उनको कमिटमेंट मिलने वाला है, कॉल मैसेज आ चुके हैं आप लोगों को, जिनको नहीं आए फिर से उनको आने की संभावना है। जल्दी से जल्दी अपना सबके ड्रीम पूरे हों, सबको ऑफर आए, बस मेरी यही दुआ। और जब तक ही अगर आपसे ये सॉन्ग रिलेट होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।